So what's up kids everyone, welcome back to my channel once again. So मैं हूं नंदन चावला एंड सबसे पहले तो भाई थैंक यू सो मच 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने के लिए भी एक वीक में एंड पिछली वीडियो को बहुत ज्यादा प्यार देने के लिए शुक्रिया। और अगर आप लोग नए हो इस चैनल पे ऑब्वियसली बात है आप टाइटल देख के आए होंगे, कुछ लोग थंबनेल देख के आए होंगे। सो गाइज प्लीज सब्सक्राइब कर लो क्योंकि इस वाले चैनल पे मेरे काफी फैशन से रिलेटेड, लाइफस्टाइल से रिलेटेड, ओके ट्रैवल से रिलेटेड बहुत सारे व्लॉग्स, बहुत सारे कंटेंट आने वाला है। एंड जैसे कि मैं सिंगर, रैपर, म्यूजिक प्रोड्यूसर हूँ, सो मैं इस चैनल पे अपने गाने भी लॉन्च करूंगा जो कि अभी तक मैं जी म्यूजिक पे करता था। सो गाइज बिना बकचोदी के शुरू करते हैं अपना टॉपिक मेन, क्योंकि 90% लोग जो टिकटॉक पे हैं फोन यूज कर रहे हैं एंड्रॉइड फोन, ठीक है। एंड सॉरी गाइज थोड़ा सा लेट होगा मैं इस वीडियो को बनाने के, काफी ज्यादा मैसेजेस है मेरे पास इस चीज के लिए कि यार हमारे पास एंड्रॉइड फोन है एंड हम स्लो मोशन कैसे बनाएं, क्योंकि हर फोन में स्लो मोशन का ऑप्शन नहीं देगा। जैसे कि आईफोन में दिया हुआ है प्रॉपर एक स्लो मोशन का, इसमें अपने आप फ्रेम रेट 120 पे सेट हो जाता है या 240 पे या फिर अबव उससे भी, या फिर वन प्लस सिक्स जैसे फोन है एंड्रॉइड। सो गाइज इस वीडियो को सबसे पहले लाइक कर लो बिकॉज मैं अपनी मम्मी से फोन मांग के रहा हूँ, ठीक है, एंड्रॉइड फोन मम्मा से लेके सिर्फ आप लोगों के लिए कि आप लोगों को मैं दिखा पाऊँ। सो गाइज इस वीडियो को पूरा देखना कंप्लीट क्योंकि इसमें मैं आपको कुछ सिली टिप्स भी देने वाला हूँ जो कि आपके बहुत काम आने वाली है, ठीक है, एकदम लेमैन टिप्स, लेमैन टाइप और लेमैन लैंग्वेज में कुछ बताऊंगा आप लोगों को जो कि आपको बहुत हेल्प करेगा। क्योंकि ऑब्वियसली बात है सबके फोन में इतने अच्छे कैमरास नहीं है टिकटॉक पे, जितने भी यूजर हैं जिनके मेरे पास कमेंट है कि यार हमारे पास स्लो मोशन नहीं बनता, अटकता है स्लो मोशन एंड जो भी, बाकी आप लोग कमेंट कर देना मेरे को जो भी आपको पूछना हो नीचे एंड शुरू करते हैं इस बारे में, ठीक है। सो गाइस पूरी एंड तक देखना, आप दोबारा बता रहा हूँ। सो गाइस सबसे पहली बात, अपने फोन की सेटिंग्स में जाओ, जो भी आपके पास फोन है एंड्रॉइड है आईफोन है जो भी है, तो उसमें आप ना आपको कैमरे की सेटिंग में अगर ऑप्शन दिया हुआ है कहीं पे भी फ्रेम रेट सेट करने का, फ्रेम रेट होता है जैसे कि फ्रेम पर सेकंड, अब मैं इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता टेक्निकल बात में क्योंकि आप लोगों को भी समझ नहीं आएगी, बाकी आपको सबसे हायर फ्रेम पे सेट करना है उसको, ठीक है, और क्योंकि उससे ही स्लो मोशन बनता है, जितने ज्यादा फ्रेम रेट होंगे उतना अच्छा स्लो मोशन होगा। बट उसके लिए सबसे पहली बात, लाइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए एंड बैक कैमरे से शूट करो, क्योंकि आईफोन 11 में ही अभी तक आया है फ्रंट में स्लो मोशन, ठीक है, आई होप मैं सही कह रहा हूँ, और फोन में आया तो पता नहीं हो, बट मेरे हिसाब से आईफोन 11 प्रो और 11 में आया है स्लो मोशन फ्रंट में। सो इसलिए मैं आपको बैक से बताऊंगा जो भी आपको करना है बैक में शूट करना है, आपको करना क्या है सबसे पहली बात ध्यान से सुनना, ठीक है, सबसे पहले तो लाइट अच्छी रखो जो भी है, ठीक है, उसके बाद मैं आपको पूरा डमी करके दिखा रहा हूँ, लाइट अच्छी होनी चाहिए, बहुत अच्छी लाइट होनी चाहिए आपके पास, तब जाके आपका स्लो मोशन में बहुत अच्छा होगा। अगर रिंग लाइट नहीं है इट्स ओके, घर के फोन ट्यूबलाइट बल्ब वगैरह सब ऑन कर दो अच्छे से या फिर डे में बनाओ। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अब आपको करना क्या है, सेटिंग में तो आप चले गए अपनी सेटिंग आपने सेट कर ली, अब जब आप कोई भी एक्ट कर रहे हो ना, फॉर एग्जाम्पल आप जैकेट को ऐसे मतलब झटका दे रहे हो या फिर कुछ भी आप बाल ऐसे रख रहे हो सर पे, आप कुछ भी स्लो मोशन कर रहे हो, अब आपके फोन में फ्रेम रेट आपके पास कम है, कैमरा ज्यादा अच्छा नहीं है, तो आपको ना वो फास्ट नहीं करना, ठीक है, क्योंकि आपका वो कैप्चर नहीं कर पाएगा और स्मूथ नहीं आएगा। ये स्मूथ के लिए बता रहा हूँ, बहुत अच्छा आएगा आपका स्लो मोशन, बहुत स्मूथ आएगा मैं कह रहा हूँ ना, बस आपको मेरे पॉइंट को ध्यान देना, ठीक है, एंड बाकी कमेंट करके बताना कुछ भी अगर पूछना हो तो, ठीक है। तो करेंगे क्या, जब भी आप फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे बार ऐसे कर रहे हो ना, तो आपको सब कुछ खुद भी स्लो करना है थोड़ा, ठीक है, स्लो थोड़ा एक्ट स्लो करना है, उससे क्या होगा आपके अगर 60 फ्रेम का फोन है तो आपका वो लाइक अच्छे से फ्रेम पकड़ पाएगा एंड जब आप एडिट करोगे सॉफ्टवेयर में तो आपका बहुत अच्छा स्लो मोशन आएगा। अगर आप लोगों के पास फोन में ही ऑप्शन है स्लो मोशन का, जैसे कि दिया होता है कि स्लो मोशन शूट करने के लिए पर्टिकुलर, तो गाइस उसमें शूट करो तो उसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, उसमें आपका ऑब्वियसली बात अच्छा आएगा, बट कुछ लोगों को जर्क भी आ रहा है ऐसे ब्लैक 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 आता है जिनके स्लो मोशन है, तो वो इसलिए आता है बिकॉज आपका फ्रेम रेट हाई हो रहा है, उसको कम कर दो, लाइट कम यूज करते हो इसलिए। तो अब बात करते हैं कैसे करना है स्लो मोशन, तो गाइस अब मैं आपको सीधा करके दिखाऊंगा स्लो मोशन, एक आपके लिए मैंने पूरा डमी बनाया है जिसमें आपको स्लो मोशन का मैं पूरा दिखाऊंगा, एक ऐड करा मैंने उसमें एंड उसको मैं कैसे स्लो मोशन में शूट करता हूँ एंड स्लो मोशन में एडिट करता हूँ, उसको कैसे स्लो मोशन की वीडियो तैयार करता हूँ, ठीक है, एंड्रॉइड फोन में। गाइस इस फोन को मैं यूज कर रहा हूँ, ये है आई गेस J7, ओके सैमसंग का J7 है, इसमें कोई स्लो मोशन का फीचर नहीं है, इसमें 60 फ्रेम सेकंड पर वीडियो शूट होती है फुल SD में, तो अब हम इसमें से एक स्मूथ स्लो मोशन बना के दिखाऊंगा मैं आपको। सो प्लीज उससे पहले वीडियो लाइक कर लो, मैंने मम्मा से फोन मांगा था ये वीडियो लाइक तो बनती है, सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लो। एंड एक चीज और गाइस ये बताओ यार मैं बाल लंबे करने का सोच रहा हूँ, बाल लंबे हैं छोटे, तो उसके बारे में कमेंट करके बताना, ठीक है। सो अब सीधे शुरू करते हैं स्लो मोशन की वीडियो बनाते हैं, ठीक है। सो अब चलते सीधा अपने सेटअप पे। सो गाइस कुछ इस टाइप का मेरा सेटअप है, आपको पता ही है जैसे कि मैं कुछ ज्यादा यूज नहीं करता, नो स्टैंड वगैरह, तो ये मेरा सेटअप है, ये बेसिकली मेरा गिम्बल है, इसका डिस्क्रिप्शन आपको नीचे मिल जाएगा, मेरे चैनल पे डाला हुआ इसका रिव्यू एंड ये मैंने फोन लगा दिया यहाँ पे एंड नॉर्मल वीडियो शूट करेंगे यहाँ से, ठीक है। एंड मैं आपको करके दिखाऊंगा वीडियो शूट, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बिना कोई म्यूजिक के, सिर्फ आपको स्लो मोशन सिखा रहा हूँ और कैसे एडिट करनी है, कैसे शूट करना है,
ये बंद कर देते हैं एक बारी। सो ठीक है, बाकी लाइट आपको अच्छी चाहिए तो मैंने अपने रूम की सारी लाइट जला ली, जैसे कि आपको दिख रहा होगा सारी लाइट। एक वो खराब है बट मैं फ्लैश से काम चला लूंगा, इसकी फ्लैश ऑन करूंगा जो कि ऑन हो जानी चाहिए। ओके ठीक है, ऑन हो गई फ्लैश। एंड बाकी एक और फोन यूज कर लेंगे घर में आपका एक और फोन है तो। सो अब सीधा शूट करते हैं, सीधा चलते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे। सो गाइस एक चीज इंपॉर्टेंट, मैंने इसमें शूट करा है और देखो मैंने शूट कैसे करा है, मैं अपने आप को भी स्लो चला रहा हूँ। ठीक है, ये देखो मैं अपने आप को भी स्लो चला रहा हूँ, अब देखना ध्यान से। यहाँ पे मैं खुद स्लो हो गया हूँ थोड़ा सा, बा क्यों? क्योंकि यार आपके फ़ोन में 60 फ्रेम पर सेकंड होगा, हर फोन में अच्छा कैमरा नहीं है, तो इसलिए आपको स्मूथ स्लो मोशन के लिए। अब देखो यहाँ पे जो मैं ऐड कर रहा हूँ वो बहुत स्लो कर रहा हूँ, मैं खुद भी देखो खुद भी थोड़ा स्लो कर रहा हूँ, तो ये आपको ज़रूर करना है बिकॉज इससे क्या होगा आपकी आपकी स्लो मोशन बहुत स्मूथ हो जाएगी। अब सीधे चलते हैं एडिटिंग पे, ये तो आपको इसलिए दिखा दिया यहाँ पे, अब सीधे चलते हैं एडिटिंग पे एंड वहाँ पे जाके देखते हैं कि इसको एडिट करके स्मूथ कैसे बनाते हैं। ठीक है, सो गाइस ये खोली हमने काइन मास्टर, रेशियो सेलेक्ट करना है 9.16 टिकटॉक का वही रेशियो है। एंड देन इसके बाद हमें अपनी ब्राउजर में जाके फाइल सेलेक्ट करनी है, फाइल आ गई हमारी टाइमलाइन पे। ओके सो अब सीधा जाके हम खोलेंगे मेन्यू। तो गाइस सबसे पहले तो आपको जो सीजर वगैरह दिख रही है वो ट्रिम में, स्पीड बाद में एडजस्ट करेंगे, तो पहले मैं सबसे पहले जो पार्ट मुझे नहीं चाहिए वो मैं ट्रिम करके हटा दूंगा। तो मेरे को स्टार्टिंग का पार्ट नहीं चाहिए क्योंकि ख़राब था, तो ये मैंने हटा दिया, प्ले करके देखते हैं। ओके ठीक है, सही कट लगा है। देन अब हम पॉज करके वापस मेन्यू में जाएंगे एंड देन उसके बाद हम अपना ट्रिम वाला पार्ट ढूंढेंगे जहाँ से हमें कट लगाना है स्लो मोशन के लिए। ठीक है, तो मैं कट लगाऊंगा यहीं पे, आपको दिखा रहा हूँ जस्ट। सो कट लगा दिया, प्ले करके देखा, ओके ठीक है। अब देन वापस पॉज करके मेन्यू में जाएंगे एंड स्पीड पे सेलेक्ट करेंगे। सो ये स्पीड पे सेलेक्ट कर लिया, स्पीड आपको 0.5 से कम ही रखनी है वरना स्मूथ नहीं बनेगा, अटक अटक के बनेगा। सो अब लगा दिया, एक बार प्ले करके देख ले हैं। ओके ठीक है, प्ले कर लिया। अब हमने देखो आप, ये आपके सामने इस टाइप का कुछ बनाना है, बहुत इजी सा है, कुछ भी खास नहीं है, बस आपको ध्यान किन चीज़ों का रखना है। आप सीधा चलते हैं रिजल्ट पे जो मैंने बनाया। तो गाइस ये पहला स्लो मोशन लगाया मैंने यहाँ पे जहाँ बाल ऊपर कर रहे हैं, मैंने खुद भी स्लो करा है। सेकंड मैंने यहाँ पे लगाया देखो जहाँ पे मैंने हाथ खुद स्लो करें, तो बहुत ईजी है, बहुत नॉर्मल है, जैसे इस तरह करना है आपको। सो गाइस ये था मेरा कंप्लीट ट्यूटोरियल आप लोगों के लिए, आई होप आपको समझ आया होगा, आई होप आपके लिए बहुत ईजी हो गया होगा। एंड कुछ भी पूछना हो गाइस तो इंस्टाग्राम पे आ जाओ या नीचे कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, आप कमेंट कर सकते हो। एंड टिकटॉक पे मुझे फॉलो कर लो, मैं वहां पे ट्रांजिशन स्लो मोशन बहुत कुछ डालता हूँ एंड बहुत जल्दी मैं आप लोगों के लिए बहुत कुछ इस यूट्यूब चैनल पे लेके आ रहा हूँ, बहुत एंटरटेनमेंट, बहुत टाइम पास आपका तगड़ा कराऊंगा। सब्सक्राइब कर लो एंड थैंक यू सो मच गाइस, सारे ध्यान रखो अपना एंड बड़ों की रिस्पेक्ट करो एंड स्टे हैप्पी। गुड नाइट, बाय।